राम राम लागदर। किस चीज की कंफ्यूजन में थे कि रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ का एग्जाम टीसीएस लेगी या आरआरबी लेगी? तो भाई उस चीज का है निपटारा आज की वीडियो के अंदर हो जाएगा। अभी अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपका जो रेलवे का एग्जाम वो आरआरबी लेगी या टीसीएस लेगी। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है, फिर तो स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है। तो भाई रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ की परीक्षाएं आप लोगों को पता है नजदीक है, क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम तो आप लोगों का शायद 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलनी परीक्षाएं, और रेलवे एनटीपीसी की अगले साल अप्रैल मई के अंदर होनी निश्चित है। अब जो एजेंसी है वही आपकी तैयारी को डिसाइड करती है, क्योंकि आप देखो अगर रेलवे एग्जाम लेती है तो उसका एक पैटर्न अलग है एग्जाम लेने का, टीसीएस अगर एग्जाम लेगी तो उसका एक पैटर्न अलग है एग्जाम लेने का, और जब तक हमें वो पैटर्न पता नहीं होगा अगर हम अंधाधुंध तैयारी करते रहेंगे तो उस तैयारी का कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए भाई आज हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन मिली भाई एग्जाम कौन सी एजेंसी लेगी, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, ऑफिशियल नोटिस है इस चीज का अपने पास है कि भाई कौन सी एजेंसी आप लोगों का एग्जाम लेगी, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी। बताऊंगा कि वो एजेंसी की कौन सी खासियत है, भाई टीसीएस की कौन सी खासियत है और आरआरबी की कौन सी खासियत है, अगर जोन सी भी एजेंसी अभी आपको देखने को मिलेगी उसके हिसाब से, ठीक है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए सारी चीजें बताऊंगा, देखो भाई फटाफट से। उससे पहले भाई अगर आप भाई कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो और ये चाहते हो साथ के साथ हमारी जैसे डिग्री हो जाए ग्रेजुएशन, मान लो अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो प्लस टू पास हो, आप ये सोचने लग रहे हो भाई मेरी ग्रेजुएशन कर लूँ मैं साथ के साथ और साथ के साथ कंपटीशन की तैयारी करता रहूँ, या फिर आप ये सोचने लग रहे हो भाई मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ साथ के साथ घर बैठे, तो भाई जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो आपको घर बैठे ऑनलाइन आपको डिग्री प्रोवाइड करने लग रही है, जिसके अंदर आपकी ऑनलाइन क्लासेज लगेंगी, ठीक है, ऑनलाइन ही आपके एग्जाम होंगे, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, और जो ऑनलाइन या ऑफलाइन डिग्री उसके ऊपर कहीं पर ये नहीं लिखा आएगा कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन, मतलब जो उसकी मान्यता वो बराबर की रहेगी, ऑफलाइन के बराबर ही ऑनलाइन की मान्यता रहेगी, ठीक है। बीए एमए बीएससी बीकॉम कोई भी आप कोर्स करना चाहते हो कर सकते हो, करना कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा ना फॉर्म का, आपको वो फॉर्म भरना है, ठीक है, वो फॉर्म आप जैसे ही भरोगे यूनिवर्सिटी वाले जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले ये आपसे अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपसे सारी इंफॉर्मेशन आप जो भी पूछना चाहते हो वो ये आपको सारी बता दें, आपको सिर्फ वो फॉर्म फिल आउट करना है, यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप ये सोचने लग रहे हो कि भाई जैसे कि भाई फीस ज़्यादा है या फिर कम है, भाई मैं किस्तों में भर दूँ आपका ब्योंत कम है, तो भाई फीस आप किस्तों के अंदर भी भर सकते हो, किस्तों को अंदर भरने के लिए भी वो सुविधा भी इसके अंदर उपलब्ध है, ठीक है भाई। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकते हो। अब देखो भाई आ जाओ खबर के ऊपर, ये देखो इसी के अंदर दे रखिए खबर, टेंशन मत लो। अगले वर्ष रेलवे में 50,000 पदों पर बहाली, भर्ती कैलेंडर जल्द जारी, मतलब कि अभी 2024 वाली भर्ती निपटी नहीं थी उससे पहले अगले साल की भर्तियों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी है कि अगले साल रेलवे के अंदर करीबन आपकी 50,000 पदों के ऊपर भर्ती आने वाली है, यह भी इसके अंदर बता दिया है। यानी कि अब आपके पास डबल डबल मौके हो गए हैं, एक तो आप साथ के साथ एसएससी की तैयारी तो करते ही करते थे, साथ के साथ अब हर साल रेलवे के भी एग्जाम होंगे, डबल मौका मिलेगा आपको, ठीक है। एसएससी के अंदर रह जाओ तो रेलवे के अंदर घुस जाओ, रेलवे के अंदर रह जाओ तो एसएससी के अंदर घुस जाओ, गजब का मौका है। अब इसी के अंदर एजेंसी के बारे में भी बताया गया है कि कौन सी एजेंसी आपका एग्जाम मिलेगी, अभी देखो दिखाता हूं, टेंशन ले लो अभी। तो पहले तो एक बार तो ये पढ़ो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आएगा, रेलवे की ओर से अगले साल करीब 50,000 पदों पर बहाली की जाएगी, इसके लिए ही जल्द ही रेलवे बोर्ड की ओर से भर्ती कैलेंडर जारी होगा, अभी दिसंबर के अंदर कर सकते हैं। इसमें एनटीपीसी है, जो एनटीपीसी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर लेवल 1 ग्रुप डी आदि सारे शामिल है, ग्रुप डी के लिए करीबन 15,000 पद, ये 2025 वाली भर्ती के लिए है, अब वाली भर्ती के लिए नहीं, जो जो अगले साल आने वाली 2025 के लिए उसकी है ये, ठीक है। अब की बार तो शायद 35,000 के आसपास आने की संभावना है। एनटीपीसी के लिए करीब 10,000 जो अगले साल आएगी वैकेंसी, ठीक है, टेक्नीशियन व जूनियर इंजीनियर के लिए भाई 5,000 की जो वैकेंसियां हैं वो आने की पॉसिबिलिटी है 2025 वाली भर्ती के अंदर, ठीक है। अभी 24 चलने लग रही है, 2025 की बात होने लग रही है, तो उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना भाई, 24 की 25 की क्या कुछ मामला है, ठीक है। तो ये सारी जो आगे जो आएंगी 2025 के अंदर उसकी बात होने लग रही है, ठीक है। 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एनटीपीसी व ग्रुप डी के लिए होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी वो ग्रेजुएट लेवल की भी आती है, प्लस टू लेवल की भी आती है। रेलवे बोर्ड ने भर्ती बोर्डों से रिक्त पदों की रिपोर्ट की मांग की, जिसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर के अलावा और फालतू ज्ञान बन रखे। अब देखो यहां पर देखो ये आ गया सारा, फिलहाल रेलवे में 45,708 पदों पर नियुक्ति की चल रही है प्रक्रिया, फिलहाल रेलवे में इतने पदों पर नियुक्ति, इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्रों का चयन किया जा रहा है, टाटा कंसल्टेंसी परीक्षा संचालित करेगी। दिखने लग रहा है जो टाटा वाली जो कंपनी है यानी कि टीसीएस ही आपका क्या है एग्जाम कंडक्ट करवाएगी भाई,
दैट्स अ बिग चेंज, ह्यूज चेंज फॉर द रेलवे स्टूडेंट्स. ठीक है, रेलवे वाले बच्चों के लिए भाई बहुत बड़ा चेंज है ये, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, चाहे आपका आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगी? टीसीएस कंडक्ट करवाएगी. अब टीसीएस से एक चेंज क्या क्या हुआ आपको बताता हूं. जो पहले जो रेलवे के एग्जाम होते हैं ना, जो आपका आरआरबी कंडक्ट करवाता था रेलवे के, उसके अंदर आपको स्टैटिक जीके का इतना पोर्शन देखने को नहीं मिलता था. स्टैटिक जीके का ये समझो कि कोई एक पर्सन आ जाए या दो आ जाए, बस इतने ही पर्सन आते थे. ठीक है, हिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा देखने को मिलता था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, और वो भी बहुत ज्यादा वर्ल्ड जो जीके है उसका भी. ठीक है, तो और वो भी क्या, बहुत ज्यादा पोर्शन देखने को मिलता, साइंस का भी बहुत ज्यादा पोर्शन देखने को मिलता था. ये होता था आपका रेलवे जो एग्जाम कंडक्ट करवाते थे आरआरबी, उसके अंदर. अब जो टीसीएस है, टीसीएस कौन सी एजेंसी भाई, जो आपके एसएससी के जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एसएससी के जितने एग्जाम है सारे कौन कंडक्ट करवाती है? टीसीएस कंडक्ट करवाती है. ठीक है, सिर्फ इस एजेंसी को यह बोला जाता है आपको 12वीं लेवल का पेपर बनाना है 12th लेवल का. ठीक है, और इसको पैटर्न बताया जाता है, आपको जीके के इतने पर्सेंट डालने हैं. ठीक है, और इसी इस चीज के इतने पर्सेंट डालने. अब टीसीएस का इतिहास क्या रहा है, टीसीएस का इतिहास ये रहा है कि इसके अंदर स्टैटिक जीके ज्यादा पूछी जाती है. ठीक है, टीसीएस के अंदर क्या, स्टैटिक जीके का पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, और आरआरबी के अंदर क्या, स्टैटिक जीके कोई एक या दो पर्सन आता था. ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो अभी जो रिसेंटली टीसीएस के एग्जाम चल रहे, जैसे अभी एमटीएस की परीक्षा चलने लग रही है, या सीजीएल का, सीएचएसएल, आप देख लेना, स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको ज्यादा मिले, जिसके अंदर नृत्य वगैरह, डांस वगैरह, ये सारे देखने को मिलते हैं वो. ठीक है, इसके अलावा जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनसे बहुत कम पर्सन देखने को मिलते हैं टीसीएस के अंदर. हिस्ट्री मतलब बहुत कम का मतलब ये नहीं भाई ना के बराबर, मतलब ये है कि इसके कंपैरिजन में आपको कम देखने को मिलते हैं, पर्सन देखने को मिले, ये निगरने लग रहा है, इसको छोड़ दो. मेरा कहने का मकसद ये भाई, आप स्टैटिक जीके पर अच्छा फोकस कर लेना, क्योंकि टीसीएस की जो पकड़ है वो क्या, स्टैटिक जीके है. पूछ लेगा ये डांसर कौन से नृत्य से संबंधित है, ठीक है, ये डांस कौन से राज्य से रिलेटेड है, ये चीज. ठीक है, इसके अलावा आपका जो साइंस है, साइंस के ऊपर भी भाई टीसीएस बिल्कुल जीरो है. जीरो का मतलब कोई एक या दो पर्सेंट देती, इतना फोकस नहीं रखती. जो टीसीएस का एसएससी के अंदर पैटर्न है, मैं आपको उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं. ठीक है, अभी रेलवे का कोई एग्जाम हुआ नहीं है, जैसे ही अभी, जैसे मान लो पहले एएलपी के हैं, ये एग्जाम हो जाएंगे कंडक्ट, एएलपी वाले आपके आरपीएफ से पहले हैं, और आरपीएफ वाले भी होने हैं. उसके बाद आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि भाई किस पोर्शन से कितना पर्सेंट पूछे जाने लग रहे हैं. ठीक है, ताकि आपका जो आगे एनटीपीसी का एग्जाम हो उसके अंदर आपको दिक्कत ना आए. आरी चीजें समझ में, ठीक है. तो साइंस के बहुत कम पर्सन पूछती है टीसीएस, ज्यादातर पोर्शन स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट. करंट की बात करें, जो अभी जो टीसीएस जो पूछती है ना, करंट टीसीएस जो पूछती है वो एक साल पीछे की पूछती है. अभी जो एसएससी का पैटर्न, मैं आपको उसके हिसाब से बताने लग रहा हूँ. एसएससी सीजीएल देख लो, चाहे आप सीएचएसएल देख लो, चाहे सीपीओ, जैसे अभी 2024 चलने लग रहा है, तो 2023 की करंट पूछेगी या 2022 की करंट पूछेगी. ये है आपका टीसीएस का पैटर्न. ठीक है, जो मैंने एसएससी के अकॉर्डिंग बताया, अभी रेलवे के अंदर ये नहीं पता भाई कैसे करेंगे, लेकिन एसएससी के अंदर यही पैटर्न है इसका. ठीक है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप एसएससी के पुराने पेपर भी उठा के देख सकते हो, आपको पता कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई यही पैटर्न है या नहीं. अभी एएलपी की परीक्षाएं हो जाएंगी, जैसे एएलपी की शुरू आपकी नवंबर के एंड सिक में, तब आपको एग्जैक्टली पता लग जाए भाई हाँ यही पैटर्न आने लग रहा है, नहीं आने लग रहा. ठीक है, टीसीएस का जो क्वेश्चन बैंक हो थोड़ा सा इजी पड़ता है एज कंपेयर टू रेलवे के क्वेश्चन बैंक से. रेलवे का जो क्वेश्चन बैंक हो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, क्योंकि ये ज्यादा डीपली पूछते हैं. ठीक है, ज्यादा डीपली पर्सन पूछ लेगा हाँ यहाँ पर ये कौन सा था, यहाँ पर ये कौन सा था. ठीक है, टीसीएस के अंदर इतना डीपली नहीं पूछा जाता, मतलब एक डीपली पूछते हैं, ये नहीं भाई जमा अड़वा दे देंगे पेपर, लेकिन इतना नहीं है जितना रेलवे का डीपली लेवल है. आई चीजें समझ में, तो ये आपका चेंज होने वाला है भाई. होने वाला क्या, हो चुका है, क्योंकि अभी आपने देखा है अखबार के अंदर साफ साफ छपा हुआ है कि टीसीएस ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी. तो टीसीएस के हिसाब से अपनी रेलवे की तैयारी शुरू कर देना. ठीक है, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि हर एक एजेंसी का क्वेश्चन बैंक अलग होता है. एसएससी के हिसाब से मैथ के क्वेश्चन करना, और एसएससी के हिसाब से रीजनिंग के, और एसएससी के हिसाब से ही जीके. आ रही चीजें समझ में, ठीक है. और आपको अगर अपने चैनल से तैयारी करनी, तो अपने चैनल के ऊपर भाई फ्री ऑफ कॉस्ट डेली रात को 8:30 बजे लाइव क्लास लगती है. संडे वाले दिन छुट्टी होती है, ठीक है. मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, पूरे हफ्ते के पूरे हफ्ते दिन लगते हैं आपके, सातों के छह दिन. ठीक है, और एक आपको अगर पूरा सिलेबस करना है, तो अपने चैनल के ऊपर भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है.
ठीक है, जीके फॉर ऑल एसएससी, डी ट्रिपल एसबी और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से, जिसके अंदर भाई टोटल 87 क्लासेस करवा रखी ट्रिक के माध्यम से, सारी स्टेट जीके शुरू की 13 क्लासेस देख लो, स्टेट जीके जमा उंगलियों पे याद हो जाएगी, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने करवा रखी। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से भी तैयारी कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और डेली रात को 8:30 बजे आपके रेलवे के हैं वो प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू सीरीज है वो भी आपकी शुरू है, ठीक है भाई। सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खाएं जाओ फटाफट।